हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पोएम ऑफ योर इंग्लिश बुक, अ टाइगर इन द जू बाय जॉर्ज लेस्ली नोरिस। सो इससे पहले कि हम अपनी पोएम को स्टार्ट करें, एक बार हमेशा की तरह साथ में बोलते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस पोएम का पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये जो पोएम है इसमें दो तरह के टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। एक टाइगर वो जो कि जू में रहता है, यानी कि जो कि पिंजड़े में रहता है, कैद रहता है, और एक टाइगर वो जो जंगल में रहता है जिससे सभी एनिमल्स डरते हैं। तो ये दो तरह के टाइगर हैं जिनका आपस में कंपैरिजन किया गया है कि उनका रिएक्शन कैसा होता है और उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उस चीज़ को यहाँ पे पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, ये जो विविड है, यहाँ पे विविड स्ट्राइप, यहाँ पे विविड का मतलब है ब्राइट, ब्राइट यानी कि चमकीला, ठीक है, और स्ट्राइप्स का मतलब है धारियाँ। जो टाइगर है उसकी बॉडी पे अलग अलग प्रकार की, मतलब ब्लैक और येलो, ब्राइट येलो और ब्लैक कलर की धारियाँ पड़ी हुई हैं। और स्टॉक मींस होता है वॉक, यानी कि चलना, ठीक है। तो जो टाइगर है वो अपने पिंजड़े में, यानी कि जिस पिंजड़े में वो कैद है उसी में कुछ स्टेप्स चलता है अपनी विविध स्ट्रिप्स के साथ, इसके शरीर की जो धारियां हैं उनके साथ वो अपने उस पिंजड़े में कुछ स्टेप चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैर हैं, उन पैरों के जो पैड्स हैं वो वेलवेट की तरह हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। जो वेलवेट मीन्स मखमल, एक तरह का फैब्रिक, तो बिल्कुल ही मखमली पैर हैं उसके, जो जिनसे वो जब चलता है तो उससे कोई भी आवाज़ नहीं होती है, बहुत ही शांत रहता है, उससे कोई आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। वेलवेट ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मीन्स, रेज मीन्स होता है गुस्सा, एंगर, ठीक है, इसका मतलब होता है एंगर। अपने एंगर को, यानी कि अपने गुस्से को दबाए हुए वो उस पिंजड़े में चलता रहता है। जब विजिटर्स वहाँ से आकर के उसको देखने के लिए आते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता है, बस अपने ही पिंजड़े में इधर उधर चलता रहता है। आगे देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पर जो टाइगर है वो कौन सा टाइगर है, जो जंगल में रहता है, उस टाइगर की बात की जा रही है। तो जो जंगल में रहता है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग यानी कि छिपना, ठीक है। तो वो छिपता है इन शेडो, शेडो मतलब किसी छांव में, किसी परछाई में या किसी छांव में छुपता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास है उन्हीं घास के पीछे वो अपने आप को छुपाता है। कहाँ पे छिपाता है, नियर द वाटर होल्स, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती हैं, फॉरेस्ट में जहाँ कहीं पानी का सोर्स अवेलेबल होता है वहाँ पे वो अपने आप को छिपाता है। क्यों, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के आसपास दिन में कई बार जो एनिमल्स हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प मतलब मोटा ताज़ा, जहाँ से मोटे ताजे डियर्स जो हैं, हिरन जो हैं वो गुज़रते हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप को छिपाता है अपने शिकार की तलाश में और अपना शिकार करने के लिए। तो आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नेयरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिंग द विलेज। ही शुड बी स्नेयरिंग अराउंड हाउसेस, स्नेयरलिंग मीन्स होता है दहाड़ना, दहाड़, ठीक है। तो
ये जो जंगल वाला, अब यहाँ भी जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है, तो जो जंगल का टाइगर है वो जो जंगल के आसपास घर हैं, गांव हैं, उन गांव में दहाड़ता रहता है, आसपास के घरों के आसपास दहाड़ता है, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे बसे हुए घर हैं या विलेज हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने वाइट कलर के चमकीले दांतों को दिखाता है, नुकीले दांतों को बेयर करता है, यानी कि अपने मुंह को फैला करके दिखाता है। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता है, टेररिंग द विलेज, और ऐसा करके गांव वालों को डराता है वो। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पे फिर से किसकी बात हो रही है, उस टाइगर की बात हो रही है जो कि जू में है, जो कि पिंजड़े में कैद है। तो बट ही इज लॉक्ड, लेकिन ये तो बंद है, कहाँ पे बंद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट मीन्स सीमेंट, मोरंग और गिट्टी से बनकर मिलकर के बना हुआ एक सेल जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो उसी कंक्रीट सेल में वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है वो बार्स यानी कि सलाखें, बार्स मीन्स सलाखें, सलाखों के पीछे छिपी हुई हैं उसकी जितनी भी ताकत है, और वो बिल्कुल मजबूर सा है, कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ विजिटर्स को देख सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजड़े की ही जो लेंथ है उसी में चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ से जो गुजर रहे विजिटर्स हैं, जो उसे देख रहे हैं, उनको इग्नोर करता रहता है, क्योंकि जो टाइगर है उसका नेचुरल प्रोसेस यही है कि किसी भी ह्यूमन को, किसी भी एनिमल को देखना और उसका शिकार करना, लेकिन ये देख करके भी अपने गुस्से को दबाता है और कुछ नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइस एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और यहाँ पे किस टाइगर की बात हो रही है, उस टाइगर की बात हो रही है जो जू में है, यानी कि जो पिंजड़े में कैद है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है वो सुनता है रात की जो आखिरी आवाज़ आती है, कहे कि द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ से जो पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, उनकी जो रात की आवाज़ आती है उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइस, और अपनी चमकीली, ब्रिलियंट यानी कि काफ़ी चमकीली आँखों से घूरता रहता है, देखता रहता है क्या, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि चमकीले तारों को। तो आई होप कि आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी, और हम आप लोग को इस पोएम की राइम स्कीम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रिप्स, यानी कि इसको हम मान के चलते हैं ए, स्ट्रिप्स केज, स्ट्रिप्स और केज का कोई भी मैच नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा बी, केज और क्वाइट, ये हो जाएगा सी, और रेज, केज रेज मैच हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा बी। तो ये जो पोएम है, इस पूरी ही पोएम का जो राइम स्कीम है वो क्या बनेगा, सेल ए, बार्स मैच नहीं हो रहा है बी, केज सी, और विजिटर्स यानी कि डी, ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह से हमने आपको निकालना बताया है, तो आप इस तरह से पूरी पोएम का जो राइम स्कीम है वो किसी भी स्टैंजा का आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार कौन सा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ये देखिए, ही यूज़, जनरली हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए ही और शी का यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए इट का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एनिमल को एज अ ह्यूमन दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच नहीं आती है, तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बना दूंगी, आप लोग उसमें विजिट कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।